हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियांश किचन। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ छत्तीसगढ़ की लोकप्रिय डिश ठेठरी की रेसिपी। ठेठरी और खुरमी छत्तीसगढ़ में तीजा त्योहार में मनाया जाता है। खुरमी की रेसिपी आप मेरे YouTube चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो ठेठरी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट यूज होंगे वो मैं आपको बताती हूँ। 1 कप बेसन, 2 टेबल स्पून ऑयल, 1 टेबल स्पून अजवाइन, 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर एंड नमक स्वाद अनुसार। तो चलिए ठेठरी बनाना स्टार्ट करते हैं। ठेठरी बनाने के लिए सबसे पहले हम ये मोयन का जो हमारा ऑयल है ये हम गरम कर लेंगे, और ठेठरी को फ्राई करने के लिए हमें ऑयल अलग से लगेगा। ये ऑयल गरम कर लिया है मैंने। ठेठरी बनाने के लिए सबसे पहले हम डो रेडी करेंगे। यहाँ पे मैंने एक मिक्सिंग बाउल लिया हुआ है, इसमें हम बेसन डालेंगे, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट एज पर टेस्ट, अजवाइन। अजवाइन को पहले आप हाथ में ऐसे लेके थोड़ा रब कर लीजिएगा। अब इस अजवाइन को भी इसमें ऐड कर लेंगे हम। हमने जो ऑयल गरम किया था वो भी इसमें डाल देंगे। इन सबको अब हम मिक्स करेंगे। पहले हम इसे चम्मच से मिक्स करेंगे क्योंकि हमने जो ऑयल डाला है वो गरम है। आप चाहें तो इसमें तिल भी ऐड कर सकते हैं। इसे अब हम हाथ से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके वाटर ऐड करेंगे, टाइट डो रेडी करेंगे। इसमें हम वाटर थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते हैं क्योंकि बेसन बहुत जल्दी ही गीला हो जाता है और हमारा फिर टाइट डो बन के रेडी नहीं होगा। ये हमारा डो बन के रेडी हो गया है। इसमें हम ऑयल थोड़ा लगा देंगे ऊपर में। इसमें हम ऑयल इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमारा जो डो है वो सूखे ना। डो को इतना टाइट भी मत गूंथ दीजिएगा कि आपको उसे शेप देते ना बने। इसे अब हम कवर करके रख देंगे 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए। 15 मिनट हो गए हैं, ये हमारा डो सेट हो गया है। इसे हम थोड़ा और गूंथ लेंगे। अब हम ठेठरी को शेप देना स्टार्ट करते हैं। अब हम इस डो से छोटा सा पोर्शन लेंगे, इसे हम हाथ से ऐसे मुट्ठी बांधेंगे, और ये जो चौकी है इसमें हम ऑयल लगा लेते हैं। ऑयल हमने इसलिए लगाया है चौकी में ताकि हम अच्छे से रोल करते बने। अब इसे हम ऐसे चौकी में रखेंगे और इसे हम ऐसे रोल करते हुए लंबा करते जाएंगे। इसकी थिकनेस सब साइड से सेम रखिएगा। ये हमने लंबा रोल कर लिया है, इसे हम फोल्ड करेंगे। अब ये हमने पहले एक फोल्ड लिया, इसके बाद हम इसे ऐसे और रोल करेंगे, और ये जो लास्ट कॉर्नर है यहाँ पे को हम प्रेस करेंगे ताकि ये सील हो जाए। तो ये देखिए हमारा ठेठरी बन के रेडी है। ऐसे ही हम बाकी सारा भी बना लेंगे। ये मैं प्लेट में रख देती हूँ। आप चाहे तो ठेठरी को राउंड शेप में भी बना सकते हैं। राउंड शेप में भी बना के दिखाती हूँ। हम पहले इसे ऐसे ही रोल करेंगे। ये रोल हो गया है। अब हम इसका एक कॉर्नर लेंगे ये साइड से, और उसके बाद हम इसे गोल गोल रोल करना स्टार्ट करेंगे, और ये साइड से फिर से प्रेस करके इसको सील कर लेंगे। तो ये हमारा राउंड शेप का भी ठेठरी बन के रेडी है। तो ये मैंने सारी ठेठरी को शेप दे के रेडी कर लिया है। अब हम इसे तल लेंगे। यहाँ पे मैंने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल गर्म हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम मीडियम करेंगे, और गैस की फ्लेम मीडियम करने के बाद इसमें हम एक एक करके हमारी सारी ठेठरी को तलने के लिए डालेंगे। हम इसे मीडियम फ्लेम पे ही तलेंगे। अगर हम इसे हाई फ्लेम पे तलेंगे हमारा ठेठरी ब्राउन हो जाएगा, अंदर से पकेगा नहीं और कच्चा रह जाएगा। और इसे लाइट ब्राउन होने तक हम ऐसे ही तलेंगे। ये हमारी ठेठरियां तल गई हैं।
इसे अब हम बाहर निकाल लेंगे। तो ये मैंने ठेठरी बना के रेडी कर ली है। तो आप भी इस तीज पर हमारी खुरमी और ठेठरी की रेसिपी को अपने घर पे बना के जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है सो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ हमारी रेसिपीज को शेयर करिएगा, उन्हें भी सब्सक्राइब करने बोलिएगा हमारा चैनल।